You're listening to ChiniMandi.com podcast. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में बंद पड़े चीनी मिलों को पुनर्जीवित करेगी। वेतन के असमान वितरण और अन्य समस्याओं पर उत्तर प्रदेश के कायमगंज सहकारी चीनी मिल के संविदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने मिल गेट पर धरना देकर विरोध जताया। महाराष्ट्र में चीनी मिलें इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने पर कर रही है ध्यान केंद्रित। उड़ीसा के किसानों ने किया गन्ना पेराई जल्द शुरू करने और गन्ना मूल्य बढ़ाने का आग्रह। सहारनपुर की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 199 करोड़ रुपए बकाया। गुयाना शुगर कॉरपोरेशन ने कहा कि इस साल चीनी उत्पादन 89,000 मेट्रिक टन के करीब रहने की उम्मीद है। बांग्लादेश के राज्य के स्वामित्व वाली चीनी मिल श्रमिकों और गन्ना किसानों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को ज्ञापन देकर 6 मिलों में गन्ने की पेराई निलंबित करने के सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की। नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी, 2022 तक निर्माण पूरा होने का प्रस्ताव।